नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल द वंदे भारत। इंदौर में महू स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में 30 कोरोना संक्रमित मिले हैं। भर्ती सभी मरीज सैनिक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी सैनिक दूसरे राज्यों के ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं, जिसके बाद सभी में कोरोना के लक्षण मिले हैं। वहीं अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि कुल 8,500 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेकर लौटे जवानों में सर्दी, बुखार और बदन में दर्द के लक्षण मिले हैं। राहत की बात है कि किसी भी सैनिक में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं पाए गए। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना संक्रमण में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन 3 महीनों बाद अचानक कोविड के मामलों में इजाफा होने लगा है। जिले में जून महीने में कुल 34 संक्रमित मरीज मिले थे। इसके बाद से नए मरीज मिलने का आंकड़ा कम हो गया था, लेकिन अब फिर 50 से ज़्यादा मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ये चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि बीते दिन मरीजों की संख्या 21 थी, जो आज बढ़कर 53 हो गई है। इधर पूरे देश में कोरोना वायरस के केस शुक्रवार को भी 30,000 के पार रहे। हालांकि कोरोना के एक्टिव केस में कमी आई है। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 3 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 31,382 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 318 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। वहीं केरल में कोरोना का प्रकोप जारी है। बीते एक दिन में केरल में कोरोना के 19,682 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ केरल में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,80,000 के करीब हो गई है। वहीं अब तक 24,191 मरीजों की प्रदेश में कोरोना से मौत हो गई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।